हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा बबल्स वाला केबल निटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं। देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 11 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। 2 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 8 रो का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 26 फंदे लिए हैं, 22 फंदे 11 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं और नीचे से एक रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। ये देखिए एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे और 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं और 9 फंदे सीधे बनाए हैं। ये हमारा टोटल 11 फंदों का पैटर्न है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा आगे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे एस टी सीधा। ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो है रॉन्ग साइड। इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और 9 फंदे उल्टे। हर बार इसकी रॉन्ग साइड सेम ही बनाएंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, लास्ट में 2 फंदे सीधे एस स्टिच उल्टा। अब देखिए थर्ड रो है राइट साइड। एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर हम 4 फंदों की लेफ्ट टू राइट केबल बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, फ्रंट लूप से ऐसे 2 फंदे राइट नीडल पर लेंगे और उनको आगे लेकर आएंगे और बैक लूप से 2 फंदे पीछे लेकर जाएंगे, देखिए ऐसे, और 4 फंदों को सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, 1, ये देखिए, और फिर 4 फंदे हमारे पास सीधे हैं। इनको हम राइट टू लेफ्ट केबल बनाएंगे, बैक लूप से 2 फंदे आगे लेकर आएंगे और फ्रंट लूप से 2 फंदे पीछे लेकर जाएंगे और फिर 4 फंदों की केबल बनाएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, 4 फंदों की लेफ्ट टू राइट केबल बनाई, फिर एक फंदा सीधा बनाया और फिर 4 फंदों की राइट टू लेफ्ट केबल बनाई है। एक बार हमने इनको इस तरफ को ट्विस्ट किया है और एक बार इस तरफ को ट्विस्ट किया है। फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट केबल बनाएंगे 4 फंदों की,
और 4 फंदे सीधे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 एक फंदा सेंटर का सीधा बना लेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट 4 फंदों की केबल बनाएंगे, बैक लूप से 2 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाले 2 फंदे पीछे लेकर जाएंगे और 4 फंदे सीधे बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, एस टी सी था। रॉ 5th राइट साइड एस स्टिच, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। अब ये हमारे पास सेंटर का फंदा है, इसके ऊपर हम बबल्स बनाएंगे, एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। रॉन्ग साइड में आएंगे और 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। राइट साइड में आएंगे और 4 फंदे राइट नीडल पर लेंगे, 1, 2, 3, 4। एक फंदे को सीधा बना लेंगे और 4 फंदे ऊपर से ड्रॉप करेंगे। ये देखिए ये हमारा बबल्स बन जाएगा और फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 4 फंदे सीधे, सेंटर में एक बबल्स बनाया, फिर 4 फंदे सीधे बनाए हैं। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। हम सेंटर के फंदे पर बबल्स बनाएंगे, एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। राइट साइड में आएंगे और 4 फंदे राइट नीडल पर शिफ्ट करेंगे, 2, 3, 4। एक फंदा सीधा बना लेंगे और 4 फंदे इस फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1, 2, 3, 4। ये देखिए ये हमारा बबल्स बन जाएगा और 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। धागा आगे करेंगे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे और एक फंदा सीधा। रॉ 7 राइट साइड, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर में 9 फंदे हैं, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर ये 4th फंदे के ऊपर अब हम बबल्स बनाएंगे, एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 4 फंदे राइट नीडल पर लेंगे, 2, 3, 4। एक फंदा सीधा बना लेंगे और 4 फंदे इसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे। ये देखिए ये हमारा बबल्स बन गया, सेंटर का एक फंदा सीधा बना लेंगे
और फिर से इस फंदे के ऊपर बबल्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे बना लेंगे। अब 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 4 फंदे राइट नीडल पर शिफ्ट करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे और 4 फंदे ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदे सीधे, फिर एक बबल्स बनाया, सेंटर का फंदा सीधा, फिर बबल्स बनाया, फिर 3 फंदे सीधे बनाए हैं। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर बबल्स बनाएंगे, एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 सीधी साइड में आएंगे। एक फंदा सीधा बना लेंगे और 4 फंदे ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर सेंटर का एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से बबल्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 सीधी साइड में आएंगे। 4 फंदे शिफ्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे और 4 फंदे इस एक फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3 अब लास्ट के 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, एस्ट इज सीधा। ये देखिए फ्रेंड, 8th रो कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे 1st रो से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप देख लीजिए कैसे करेंगे। एस्ट इज ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 9 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लास्ट में 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, एस्ट इज सीधा। ये देखिए हमारा पैटर्न फिर से 1st रो से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही इसकी 1, 2, 8 रो रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।